हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। और कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा अपर लिम में थोरैक्स वाकई सब कुछ अपना ख़त्म हो चुका है, तो आज हम लोग लोअर लिम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग चैनल को लाइक करें, वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ऐसा मुझे पता ही नहीं चलता है। और आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे फेसबुक और इंस्टा चैनल को फॉलो करें। लोग पहले सबसे पहले देखेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इसमें क्या होता है? इसमें अपना 5 मसल्स होता है। तो लोग कैसे करके पढ़ेंगे? तो सबसे पहले अपना होता है सार्टोरियस, और बाकी अनदर 4 जो है उसको मिला करके बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जो कि 4 मसल मिला करके बनाता है। तो सार्टोरियस अपना ये हो गया। सार्टोरियस का ओरिजिन कहाँ पे होता है ना? तो इलियक स्पाइन। इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है? तो ये अपना 2 जॉइंट को क्रॉस करता है, हिप जॉइंट को और नी जॉइंट को। नी जॉइंट को भी क्रॉस करके टीबिया पे इंसर्शन होता है। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में अपना 4 मसल आता है। सबसे पहले अपना होता है रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस, और अनदर 4 मसल्स में आपका 4 होता है ना, तो एक हो गया रेक्टस फेमोरिस, और बाकी इनका 3 क्या होता है? तो वास्टस लैटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस, मतलब तीनों वही हैं, वास्टस के नाम पे ही हैं, इंटरमीडियस और वास्टस मीडियलिस। कैमरा हिल रहा है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है। एक मिनट आप लोग रुको। हाँ, ठीक हो गया। अपना जो रेक्टस फेमोरिस है ना, रेक्टस फेमोरिस का 2 हेड होता है, एक स्ट्रेट हेड और दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड हेड, RFLECTED, रिफ्लेक्टेड हेड। स्ट्रेट हेड का ओरिजिन कहाँ होता है? एंटेरियर इंफीरियर इलेक स्पाइन। सब लोग जानते हैं एंटेरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन होता है और एंटेरियर इंफीरियर इलेक स्पाइन होता है। तो आपका एंटेरियर इंफीरियर इलेक स्पाइन से इसका स्ट्रेट हेड का ओरिजिन होता है। और इसका जो रिफ्लेक्टेड हेड है उसका ओरिजिन अबव द एसिटाबुलम, अबव द एसिटाबुलम से होता है। और बाकी का ये जो 3 मसल्स है ना, ओरिजिन अपना फीमर से होता है। और ये तीनों ना सिर्फ और सिर्फ अपना नी जॉइंट को क्रॉस करता है। तो तीनों का एक्शन सिर्फ नी जॉइंट पे होगा। ये अपना 2 जॉइंट को क्रॉस किया, हिप जॉइंट और नी जॉइंट, और ये भी अपना हिप जॉइंट को ही क्रॉस करता है और नी जॉइंट को भी क्रॉस किया। हम लोग अभी क्या देखेंगे? इसका ओरिजिन हो गया, इंसर्शन हो गया, नर्व सप्लाई और एक्शन। पहले मेन एक्शन होता है, एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अपना 2 जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो इसका एक्शन हिप जॉइंट पे क्या होगा? तो हिप जॉइंट का ये कराएगा लैटरल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। और नी जॉइंट का, नी जॉइंट का मीडियल रोटेशन। हिप जॉइंट का लैटरल और नी जॉइंट का मीडियल रोटेशन। अब जो अपना रेक्टस फेमोरिस हो गया, इसका एक्शन क्या होता है? मतलब 4 मसल्स मिला करके मेनली एक्शन में क्या देखते हैं? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का ही एक्शन देख लेते हैं। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जो है ना, सब 4 मसल एक साथ एक्शन करता है। तो क्या करता है? अपना एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। और एंटीरियर कंपार्टमेंट का नर्व कौन सा है? तो इसका एक ही नर्व होता है, फीमोरल नर्व। सबको वही सप्लाई करेगा। आर्टरी भी होती है फीमोरल आर्टरी, सेम नाम से है, मैं ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, 5 मसल्स एक्शन देख लिया फीमोरल। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट, और जो नी जॉइंट का एक्सटेंशन करता है ना, वही अपना क्या करता है? लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट क्या होता है? तो ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ एक्सटेंशन अपना जो टिबिया का मीडियल रोटेशन होता है, ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ एक्सटेंशन
मीडियल रोटेशन ऑफ टीबिया होता है, मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।